मुजफ्फरपुर जिले में जहरीली शराब से 7 मौतों के बाद शनिवार शाम प्रदेश के आबकारी और घटना क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा ने खकराई गांव पहुंचकर शराब कांड में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मंत्री देवड़ा ने शोकाकुल परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी, वहीं हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री देवड़ा ने कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। तत्काल जैसे ही घटना हुई, मेरे भी संज्ञान में आई, शासन के भी आई। यहाँ पर सारे शासन के पूरे अधिकारी मौके पर पहुँच करके उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी। राजेश राजौरा राजौरा ACS हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जो यहाँ पर जांच करके गई भी है और पूरी तरीके से इसकी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। पुष्टि जितने लोगों की हुई है वो सामने है, लेकिन तह तक जाने की कोशिश सरकार की ओर से पूरी हो रही है। उज्जैन हुई, मुरैना हुई, सरकार ने तत्काल संज्ञान में लेकर के जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई सरकार ने पूरी की है। गिरफ्तारियां हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जहां तक सवाल कानून का है, अगर कहीं मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा लगता है कि लचीलापन या जो भी कुछ कमी है, तो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि अगर विधानसभा में अगर कोई कड़ा कानून और बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी बनाएंगे, लेकिन इस अवैध काम को रोकने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी। कब तक और कैसा कानून बनेगा आपका, कड़ा कानून कैसे, क्योंकि सर आपकी अभी कुछ समय बाद ही विधानसभा प्रारंभ हो रही है तो वो सबके सामने आएगा। अभी मसौदा तैयार हो रहा है, उसका निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जब कड़ा कानून होगा और कड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो अभी भी होगी, कोई भी दोषी छूटेगा नहीं, कोई दोषी को हम छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल कांग्रेस के पास बोलने के लिए क्या है, कांग्रेस की सरकारें भी रही है, दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, कमलनाथ जी बैठे थे, उस समय कहाँ कहाँ अवैध शराब के मामले पकड़ाए थे, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस के पास कोई बोलने की गुंजाइश नहीं है। एक ही काम बचा है, यही काम बचा उनके, नहीं करते हैं वो, है ना। और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित है, इस समय विचलित हो रही है, क्योंकि 15 माह वो सरकार में रहे हैं और सरकार कैसे गई है उनकी, क्या क्या लोगों के सामने उनने कहा था, क्या काम किए उनने, और इसी के कारण वो अभी इस समय विचलित है। यहाँ भी कांग्रेस के कई छोटे कई ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे। पहले भी कांग्रेस ने किसानों की आड़ में किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस ने किसानों की आड़ लेकर के, किसान आंदोलन नहीं था, किसानों की आड़ लेकर के जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व थे उन्होंने इस क्षेत्र में हुड़दंग मचाया था, आगजनी की थी, नुकसान किया था, पूरे क्षेत्र को तबाह किया था। क्या हुआ उसका परिणाम, जनता ने विधानसभा के चुनाव में परिणाम देके बताया उनको। मैंने कहा कि इसकी तह तक जाएंगे, कहाँ बनती है ये, कौन लोग है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो मृतक है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आपने किस तरह से उनको आश्वासन दिया? मैंने उनको कहा है उनके बच्चे स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी जो मदद हो सकती है वो पूरी मदद करेंगे, उनको कहीं अगर काम धंधे से अगर लगाया जा सकता है तो वो चिंता करेंगे। ये परिवार मैं जानता हूँ सबको, बहुत गरीब परिवार है और इनकी पूरी मदद करने का हर संभव सरकार पूरा प्रयास करेगी।